अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको एजोलेम 0.5 टैबलेट के बारे में बताऊँगी, जो हर किस्म की टेंशन, घबराहट, डर, खौफ, नींद में कमी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। आपको बताया जाएगा कि एजोलेम टैबलेट को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है और वो कौन से लोग हैं जो एजोलेम टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकान के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एजोलेम टैबलेट की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट्स होती हैं और इसकी कीमत 200 रुपये है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से आसानी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एजोलेम टैबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में अलपेरालोजोलाम 0.5 mg पाया जाता है और ये 0.2 और +1 ग्राम टैबलेट में भी अवेलेबल है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं एजोलेम टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो एजोलेम टैबलेट आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करती हैं, बेहतर नतज के लिए आप टैबलेट को रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं एजोलेम टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। एजोलेम टेबलेट में अलपेराजोलाम होता है जो डायरेक्ट दिमाग पर असर करता है और दिमाग को रिलैक्स करता है। अगर आपको एंजाइटी है तो आप एंजाइटी में एजोलेम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई शख्स बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, उसके दिल में डर और वहम है, तो इस कंडीशन में एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर किसी शख्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर किसी शख्स को कोई हादसा या सदमा पेश हुआ है, वो उसको भूल नहीं पा रहा, तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपके सर में दर्द है या आपको चक्कर आते हैं तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आप घबराहट फील करते हैं तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपको कोई परेशानी है या किसी किस्म की कोई टेंशन है तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपको कोई डर है या खौफ है तो इस कंडीशन में भी एजोलेम टैबलेट बहुत मुफीद है। एजोलेम टैबलेट डायरेक्ट दिमाग पर असर करती है, ये दिमाग को रिलैक्स करती है और आपको रिलैक्स करती है। इन शॉर्ट एजोलेम टैबलेट टेंशन, घबराहट, नींद की कमी, खौफ, डर, बेचैनी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं एजोलेम टैबलेट के नुकसान की। तो इसके इस्तेमाल से आपके नींद में कमी आ सकती है या ज़्यादा हो सकती है, आपके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, सेक्सुअल पावर वीक हो सकती है और बेचैनी रह सकती है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो एजोलेम टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको एजोलेम टैबलेट के किसी भी अज़ा से एलर्जी है, वो एजोलेम टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन, ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। व्यूअर्स ये था एजोलेम टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेडिसिन से मुतलक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।